खबर देवास से है, जहां एबी रोड मुथुट फाइनेंस के पास से कोतवाली पुलिस ने बीती रात डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से पुलिस ने चाकू, लोहे का बका, लोहे की खुकरी, पेचकस सहित अन्य सामग्री जब्त की है। रविवार को सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि डकैती की योजना बनाते हुए आरोपी देवकरण बामनिया, पंकज प्रजापति, अनस शेख, बबलू चौहान और बबला खान को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास मौके से 2 बाइक जब्त की थी जो चोरी की निकली, जिसके बाद पूछताछ करने पर 9 अन्य बाइक भी पुलिस ने इनसे जब्त की हैं। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी हॉस्पिटल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से बाइक भी चुराते थे और उनका उपयोग डकैती सहित अन्य घटनाओं में भी करते थे। कल रात्रि में हमारे थाना प्रभारी कोतवाली परमार साहब को मुखबिर से सूचना मिली कि फाइनेंस जो है के पास में, उसके पास में खाली प्लॉट है, वहाँ पर कुछ लोग जो है बैठकर शराब पी रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना पर एसआई साहब द्वारा हमरा बल के मौके पर दबिश दी और 5 लोगों को वहां मौके पर लूट की योजना बनाते हुए पकड़ा है, जिनके नाम देवकरण, बबलू, बबला खान, पंकज और अनस हैं। इन 5ों के द्वारा जो है मुथुट फाइनेंस में रात्रि के समय जो है लूट की योजना बनाई जा रही थी, तथा ये 5ों आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। इनके पास 2 चाकू, 1 रॉड, उसके अलावा पेचकस और पिंचेस पाना जैसा इनके पास सामान बरामद हुआ है। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये 2 मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। फिर इनसे और पूछताछ किए जाने पर इन लोगों के पास में 2 मोटरसाइकिलें चोरी की और बरामद हुई। इस प्रकार से इनसे 11 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, जो लगभग 3.5-4 लाख रुपये कीमत की है। और आरोपियों पे 399-402 IPC के अंतर्गत अपराध दर्ज करके इसको विवेचना में लिया गया है। आरोपियों से हमें उम्मीद है कि और घटना में लोग शामिल हो सकते हैं, तथा अन्य चोरी की मोटरसाइकिल या अन्य चोरी की घटनाओं में या लूट की घटनाओं में शामिल होने की संभावना है। इन सभी आरोपियों के ऊपर जो है गंभीर अपराध पूर्व से दर्ज है और एक आरोपी जो है पूर्व में भी जो है डकैती की योजना बनाने के अपराध में इंदौर जिले में पकड़ा जा चुका है।